जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी डिपार्टमेंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज 21 अक्टूबर 2020 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह में ही मुझे यह खबर मिल गई थी 7 बजे लगभग, एक मेरे कॉलेज से ही आ गई थी, लेकिन हमने इस पे वीडियोस नहीं बनाया क्योंकि हमें थोड़ा टाइम भी नहीं मिला और यह तब तक प्रूफ वगैरह भी कर चुका था कि भाई अब टाइम मिल गया है तो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो यह जो न्यूज़ है गाइस, सबसे पहले बताना चाहूँगा यह फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए यह न्यूज़ नहीं है, बिकॉज आगे न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है काफ़ी लोग देख लिए हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे सेंड किया। उन्होंने बताया कि भाई मुझे बताओ कि जो कॉलेज है वह क्या हमारा जो सत्र है वो 1 दिसंबर से चालू हो रहा है या नहीं। इस पे तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, अभी एक प्रूफ वाला भी दिखाऊंगा। अब देखें, अब 1 दिसंबर से शुरू हो पाएगा पॉलिटेक्निक का सत्र, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह जो चल रही है वो नवंबर के लास्ट तक जा रही है, 15 नवंबर के इस पास ऐसे ही कुछ, तो इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। आगे देख सकते हैं, लखनऊ यानी BTUP की तरफ से आ रही है। प्रतिवर्ष 1 अगस्त से शुरू होने वाला पॉलिटेक्निक का नया सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने क्या किया है, प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, ठीक है, प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने का आदेश भी दे दिया है, मतलब लास्ट कब तक पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो, 30 नवंबर तक। इसके चलते 1 नवंबर से नहीं बल्कि 1 दिसंबर से नया सत्र शुरू होगा। संयुक्त, ध्यान से देखिएगा आगे, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है, तो वहीं प्रावधिक शिक्षा परिषद पढ़ाई को लेकर मंथन में। अब देख सकते हैं जहाँ से यहाँ पर दिखाया है, इससे अब देख लिया आपने, एक वाला छोटा मतलब एक क्लिप थी, ये पेज नंबर 8 पे मिलेगा, ठीक है, दैनिक जागरण वगैरह में आया है, तो कोई भी पेपर देखेंगे तो पेज नंबर 8 देखिएगा, ताकि वहां से एकदम कन्फर्म वाला भी आपको पता चल जाए, ठीक है। मैं आपको ना दूसरा एक इसी का क्लिप दिखाता हूँ ताकि आपको लगे भाई कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला दूसरे जो क्लिप है, ठीक है, इस क्लिप को आप एक अच्छे से देखिए, तो इसमें भी कहा गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया, इसी तरीके से 2-3 क्लिप और आई हैं। 1 दिसंबर से खुलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य तकनीकी संस्थान, यहाँ पे वैश्विक दिया गया है। अब देख सकते हैं, वैश्विक महामारी हुई आपको पता ही है, नई दिल्ली से न्यूज़ निकल के आ रही थी। अब यहाँ पे गाइस देखिए ना, थोड़ा सा 9-10 की भी बात की गई है। कोरोना महामारी, कोरोना के जंग के बीच जीवन को पटरी लाने की तैयारी जारी है। इसी कड़ी में करीब 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश समेत देश के कुछ राज्य में सोमवार से स्कूल खुले हैं। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक छात्रों के ही क्लास लगेगी, वहीं देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य तकनीकी संस्थानों में नया शैक्षणिक सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। साथ ही दोस्तों अगर बात करें तो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों प्रथम वर्ष, यहाँ पे देखिए प्रथम वर्ष के नामांकन की अंतिम तिथि लगभग 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। कक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेंगी। बाकी इसकी डिटेल्स जिस पे दिया गया था गाइस वहाँ पे ना, ठीक है, वहाँ पे पेज नंबर 21 पे आगे मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ कुछ हाईलाइट किए गए, नए सत्र के लिए नामांकन अंतिम तिथि 30 नवंबर, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य, कक्षाएँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेंगी। इतनी चीज़ देख लिए, देखें एक तो ये हो गया और यहाँ पे कोरोना वगैरह दिया उसको छोड़ो। इसी तरीके से एक और चीज़ आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से एक और क्लिप आपको मिलेगी, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में नया सत्र 1 दिसंबर से, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यह जो अपडेट थी फर्स्ट ईयर वाले के लिए थी, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग का कॉलेज जल्दी खुलेगा। मैं इस पे जल्दी एक अपडेट लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा भाई कन्फर्म वाला कि आपका कॉलेज कब खुल रहा है, कब आपके कॉलेज भैया एकदम सबके साथ में चलने लगेंगे और मेरा कब खुल रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे यह अपडेट। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, या नए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास ताकि उनको भी पता चल पाए भाई जो ये चीज़ अपडेट है ये फर्स्ट ईयर के लिए है, फाइनल ईयर और सेकंड ईयर के लिए नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।